अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी पालक गोश्त। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले डालेंगे 1/4 कप ऑयल। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है और अब मैं इसमें डालूंगी 2 दरमियानी प्याज। प्याज के मैंने ऑलरेडी स्लाइसेस कर लिए थे। टीस्पून जाएगा साबित ज़ीरा। और अब मैं 2 से 3 मिनट तक प्याज को फ्राई कर लूँगी जब तक कि इसका कलर चेंज होने लगे। यहाँ पे प्याज का कलर चेंज होने लगा है तो अब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक को मैं 1 से 2 मिनट तक भून लूँगी। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 किलो गोश्त। गोश्त को भी मैं 2 से 3 मिनट तक भून लूँगी। गोश्त भून जाने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 अदद छोटी इलायची, 1/2 टीस्पून साबित काली मिर्चें, 4 से 5 लौंग, 1 दालचीनी और 1 बड़ी इलायची। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 किलो पालक। पालक को मैंने बॉईल करके पीस लिया था। दो टमाटर और 1 हरी मिर्च आएगी। टमाटरों को मैंने छील कर स्लाइस कर लिया था। अब इनको अच्छे से मिक्स करके 1 कप पानी डाल दूंगी मैं। पानी डालने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक हसबे जायका। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके ढक के दरमियानी आंच पे पका लूंगी जब तक कि गोश्त गल जाए। यहाँ पे गोश्त गल चुका है और अब मैं इसकी बस भुनाई करूँगी 5 मिनट के लिए और फिर आखिर में मैं इसमें 1 हरी मिर्च डाल दूँगी। पालक गोश्त तैयार है। अब मैं इसको डिश आउट कर दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप मेहंदी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।